प्रदेश के महाराजगंज जिले में भारत और नेपाल सीमा पर कूड़े से चाइनीज लहसुन की लूट मच गई। दरअसल कस्टम विभाग ने हाल ही में 1400 क्विंटल चाइनीज लहसुन को नष्ट कर दिया था। ये लहसुन नेपाल से तस्करी करके भारत में लाया गया था। जब इसकी जांच की गई तो ये स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक पाया गया था। ये लहसुन नेचुरल प्रोसेस से पैदा नहीं होता, इसे आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करा जाता है। इस लहसुन में खतरनाक फंगस पाए गए थे। लैब टेस्ट में फेल होने के बाद इस लहसुन को मिट्टी में दबाकर डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन अधिकारियों के जाने के बाद तुरंत ही ग्रामीणों ने मिट्टी खोदकर चाइनीज लहसुन निकालना शुरू कर दिया। कस्टम विभाग के अधिकारी जब लहसुन नष्ट कर वापस लौटे तो स्थानीय लोगों के बीच मिट्टी से लहसुन निकालने की होड़ मच गई। महाराजगंज में भारत और नेपाल सीमा पर कस्टम विभाग ने 1400 क्विंटल बोरी चाइनीज लहसुन को नष्ट कर दिया है। ये लहसुन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया जा रहा है, क्योंकि चीन में इसे गंदे पानी और खतरनाक रसायनों से उगाया जाता है। इसकी वजह से ही इस लहसुन पर भारत में पूरी तरह से प्रतिबंध है। नेपाल से तस्करी के जरिए इस चीनी लहसुन को भारत लाया गया था, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने जब्त कर कस्टम विभाग को सौंप दिया था। जांच में इस लहसुन के स्वास्थ्य पर बुरा असर होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद कस्टम विभाग ने इसे नष्ट कर दिया। हालांकि तस्कर लगातार इसे भारतीय बाजारों में पहुंचाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। सीमा पर चीनी लहसुन समेत कई अन्य चीजों की तस्करी हो रही है, जैसे कॉस्मेटिक्स, मक्का, चावल, गेहूं और प्याज। SSB, पुलिस और प्रशासन इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तस्करी रुक नहीं रही। भारत और नेपाल सीमा के साथ थाना क्षेत्रों में तस्कर अपना नेटवर्क फैला चुके हैं। पुलिस तस्करी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। तस्कर सुरक्षा को चकमा देकर धड़ल्ले से तस्करी कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों से तस्कर डरते नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग तस्करों का साथ दे रहे हैं, जिससे यह अवैध धंधा रुक नहीं पा रहा है। कस्टम विभाग के अधिकारी जब लहसुन नष्ट कर वापस लौटे तो स्थानीय लोगों के बीच मिट्टी में दबे लहसुन को निकालने की होड़ मच गई। भारी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं मौके पर पहुंची और मिट्टी से निकालकर बोरे भर भर कर चाइनीज लहसुन को ले जाने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग लहसुन को मिट्टी से खोद रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें, बीते एक महीने के दौरान कस्टम विभाग ने अलग अलग बरामदगी में नेपाल से तस्करी के जरिए भारत में लाया गया लगभग 16 टन चाइनीज लहसुन बरामद किया था। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये चाइनीज लहसुन सेहत के लिए बेहद हानिकारक है और इसमें मौजूद फंगस से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बावजूद इसके ग्रामीण इसे ले जा रहे हैं। एक ग्रामीण ने कहा कि हम इसे खाने के लिए नहीं बल्कि खेतों में बुआई के लिए ले जा रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि जब ये पता था कि चाइनीज लहसुन सेहत के लिए हानिकारक है, तो उसे पूरी तरह से नष्ट क्यों नहीं किया गया? विभाग ने लहसुन को सिर्फ मिट्टी में दबाने की जगह जलाकर और अन्य तरीके से नष्ट क्यों नहीं किया? लहसुन को मिट्टी में दबाए जाने के बाद ग्रामीण उसे आसानी से निकाल कर घर ले जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बाजार में लहसुन की ऊंची कीमतों के चलते उन्हें इसे खेतों में बोने के लिए निकाला है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस लहसुन का इस्तेमाल किसी भी रूप में खतरनाक साबित हो सकता है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।